Hello and good morning to all my lovely children, students. I'm your English teacher, Sudha ma'am. Class first, we are going to do today grammar. Okay, chapter 7. In the previous video, we had done marigold, unit 5. And before that, I had taught you grammar, chapter 6, belongings. ओके नेमिंग वर्ड्स फॉर बिलोंगिंग्स चिल्ड्रेन आज हम चैप्टर 7 करेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बिफोर वी स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन आई वांट टू टेल यू अबाउट द थॉट ऑफ द डे सो विद द थॉट वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन द थॉट फॉर टुडे इज नेचर हैज़ मेड एवरी वन लाइक ए डायमंड दैट वेयर्स एज मच शाइन्स प्रकृति ने सभी को हीरे जैसे ही बनाया है जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है तो सो चिल्ड्रेन जितना ही परिश्रम जितना ही मेहनत आप करेंगे उतनी ही सफलता उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी सो चिल्ड्रेन इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमेशा स्टडी करिए वर्क हार्ड कीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं और बड़े होकर कुछ बने ओके सो दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे चिल्ड्रेन Let's begin with the explanation. I will explain you describing words today. Okay? So children, before we start with the describing words, मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको naming words भी पढ़ाया है तो describing words का relation naming words से बहुत ज़्यादा है Because naming words के बारे में जो भी जानकारी जो भी हमें मिलती है वह describing words होती है जैसे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नेम्स नाउन्स के बारे में हमें कुछ बताते हैं वर्णन करते हैं जैसे कि किसी चीज़ का रंग बताते हैं कलर बताते हैं शेप या साइज बताते हैं वो कितने संख्या में है वन है टू है थ्री है हंड्रेड है कितने हैं तो नेमिंग वर्ड्स के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें बताते हैं जैसे कि ये रोज़ है ये है रोज़ कौन सा फूल है गुलाब का और ये कौन से कलर का है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें बताते हैं जैसे कि ये रेड है तो रेड हमारा जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा ओके चिल्ड्रन नाउ दिस गोवा ये अमरूद जो है वो ग्रीन कलर का है तो ग्रीन जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया तो नेमिंग वर्ड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही देते हैं सो चिल्ड्रन डेफिनेशन क्या होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का ये आप अपनी कॉपी में ये वर्क करेंगे ओके फर्स्ट आप टॉपिक देंगे चैप्टर 7 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डेट लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा डेफिनेशन का वर्ड्स दैट डिस्क्राइब पर्सन एनिमल बर्ड्स प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स शब्द जो व्यक्ति जानवर या पक्षियों या स्थान या किसी वस्तु के बारे में जो बताते हैं उन शब्दों को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं These words tell us more about naming words. ये describing words जो हैं वो naming words के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताते हैं जैसे कि rose is red. Rose जो है वो कौन से रंग का है Red. तो red है describing word. Okay? The house is big. House कैसे इसकी size बता रहा है Big है ना तो big जो है describing words. Third number पे है two flowers हैं कितने हैं दो हैं two हैं तो उसके नंबर बता रहा है तो वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में उसके कलर उसके नंबर शेप या साइज़ के बारे में जो भी जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड से ही मिलती है तो सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा व्हाट डज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द नेमिंग वर्ड तो आंसर है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स Tell us these things about naming words. Describing word जो हैं वो हमें इन चीज़ों के बारे में naming words के बारे में हमें बताते हैं तो first वाला है A पे the number यानी संख्या बताते हैं कितनी है वो कितने हैं वो नाम कितनी है ओके एक है दो है तीन है या हंड्रेड है या फिफ्टी है जो भी है सो नंबर बताते हैं B उसकी कलर बताते हैं नाउन का कलर बताते हैं कि वो रेड कलर की ड्रेस है पिंक कैप है वाइट लैम्प है ओके एनिमल प्लेस पर्सन या थिंग्स बर्ड्स के बारे में
किस कौन से कलर का है, कौन से शेप का है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, बिग है, स्मॉल है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ओके, सो दिस वर्क यू हैव टू राइट इन कॉपी, ये आपको कॉपी में राइट करना है। आफ्टर राइटिंग दिस, आप ये दो क्वेश्चंस राइट करने के बाद आप एक्सरसाइज के बुक की एक्सरसाइज सारी फिल करके बुक में कॉपी में राइट करेंगे। बुक में तो फिल करेंगे ही, फिर कॉपी में आपको करना है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज चिल्ड्रेन। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें, ये एग्जांपल्स हम देख लेते हैं पहले। ओके, द मैन हैज़ हैवी बैग। मैन के पास ये जो बैग है वो हैवी है, तो हैवी है जो हैवी जो वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएंगे। और ये बटरफ्लाई कैसी है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर तितली है, तो ब्यूटीफुल जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। बटरफ्लाई के बारे में हमें कुछ बता रही है ना कि वो कितनी सुंदर है, तो ब्यूटीफुल जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। दिस इज़ अ बिग हाउस, ये हाउस कितना बड़ा है, छोटा है, स्मॉल है, बिग है, कैसा है, बिग है ना, साइज़ बता रहा है, तो बिग क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। टर्न द पेज चिल्ड्रेन, पेज नंबर 34। अब हम करेंगे एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर ए, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स। पहला आंसर है क्यूट, क्यूट डिस्क्राइबिंग वर्ड। सेकेंड है लार्ज शिप, सी लार्ज, अंडरलाइन कर दीजिए। ब्लू स्काई, क्लाउड, स्काई और क्लाउड तो नाउन है नहीं, सॉरी नाउन्स हैं, तो उसके बारे में कहा गया है ब्लू कलर का है, तो ब्लू जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। फोर्थ बुक, क्लास, शॉर्ट, तो बुक और क्लास तो नाउन है और शॉर्ट जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। लायन, टॉल, टेनिस, टॉल उसके साइज़ के बारे में बता रहे हैं ना, तो टॉल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। सिक्स नंबर पे फास्ट, सेवन पे हंग्री, एट पे होगा सॉफ्ट, नाइन पे होगा लॉन्ग, टेन पे ग्रीन। ओके, दिस इज एक्सरसाइज ए, इसमें हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पर अंडरलाइन करना था, ये हो चुका। नेक्स्ट अब हम करेंगे बी, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है, ठीक, तो लेट्स बिगिन। आई हैव ए गुड फ्रेंड, हर नेम इज तानिया। मेरे पास एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम है तानिया, तो तानिया कैसी है, अच्छी है, तो अच्छी यानी गुड पे हमें अंडरलाइन करना है। सेकेंड, शी इज़ वेरी क्यूट, वो बहुत क्यूट है, क्यूट डिस्क्राइबिंग वर्ड, अंडरलाइन कर दीजिए। शी इज़ क्वाइट टॉल, हाउ शी इज़, वो बहुत लंबी है, तो टॉल पे अंडरलाइन कर देंगे। शी हैज़ ब्राउन आइज एंड ब्लैक हेयर, आइज उसकी ब्राउन है और उसके हेयर ब्लैक हैं, ब्राउन और ब्लैक पे अंडरलाइन कर दीजिए। शी वेयर्स ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस कैसी है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पे हम अंडरलाइन कर देंगे। तो जो भी विशेषता नाउन के बारे में बताती है उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। आप देख रहे हैं सारी जो चीज़ें हैं वो इस फ्रेंड के बारे में यानी तानिया के बारे में डिस्क्राइब की गई हैं। ये नाउन है यानी पर्सन है, पर्सन के बारे में जो भी वर्ड्स कहा गया है, उसका वर्णन जो भी कहा गया है, उसके वट एवर इज सेड फॉर द नेमिंग वर्ड, इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। शी हैज़ अ ग्रीन बैग, तो ग्रीन पे हम अंडरलाइन कर देंगे। शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छी स्टूडेंट है, गुड पे अंडरलाइन कर दीजिए। शी गेट्स गुड ग्रेड्स, उसे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम गुड पे अंडरलाइन कर देंगे। आई लव माई डियर फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्रेम करती हूँ, तो डियर पे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये थी आपकी बी, एक्सरसाइज बी। अब हम मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 35 पर। 35C, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड चूज़ करके यहाँ पे राइट करना है, वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। दिस इज़ ए नॉटी मंकी, है ना, NAUGHTY, नॉटी पे हमें अंडरलाइन करना है। इट हैज़ ए डैश टेल, मंकी की कैसी टेल है, लॉन्ग टेल है, तो लॉन्ग पे अंडरलाइन कर दीजिए और राइट कर दीजिए। इट इज़ कौन से रंग का है, ब्राउन ना, ग्रे है कि ब्राउन, ब्राउन, सो इट इज़ ब्राउन, BROWN, ब्राउन। नेक्स्ट, इट इज़ अ कैसा पपी है, हैप्पी पपी, तो हैप्पी पे अंडरलाइन करना है और फिल कर देना है। इट हैज़ ए ब्लैक नोज़, उसकी नोज़ कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक राइट कर दीजिए। देन इट इज़ यंग, यंग पे अंडरलाइन करके फिल कर दीजिए। दिस इज़ अ ग्रीन पैरेट, है ना, तो ग्रीन पैरेट। इट हैज़ रेड बीक, रेड,
इट लुक्स फ्रेंडली, पेरेंट्स तो जब टॉकिंग करते हैं ना तो फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली राइट कर देंगे। नंबर फोर, दिस इज़ अ डैश एंड डैश ज़ेब्रा, तो हम लिखेंगे ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा। ओके, ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा। नेक्स्ट है, इट हैज़ ए शॉर्ट टेल। ओके, शॉर्ट पे अंडरलाइन करना है, फिल कर देना है। इट हैज़ फोर लेग्स, ज़ेब्रा के कितने लेग्स, फोर, FOUR, फोर। नेक्स्ट, दिस इज़ अ बिग एलिफेंट, एलिफेंट बिग होता है ना, तो बिग। इट हैज़ शॉर्ट ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक, उसकी जो सूंड है, ट्रंक है, वो लॉन्ग है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग लिख देंगे। ओके, देन इट हैज़ स्मॉल आइज, एलिफेंट की स्मॉल आइज होती है, तो हम लिख देंगे स्मॉल आइज। ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज सी, गेटिंग इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप चिल्ड्रेन यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 36। पेज नंबर 36, डिस्क्राइबिंग थिंग्स। ओके, अब हम थिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये कैसा बॉक्स है? ओपन बॉक्स है, तो हम यहाँ राइट करेंगे ओपन बॉक्स। ये कैसी ड्रेस है? ब्लू ड्रेस है, तो BLUE, ब्लू। देन ये कैसा क्लॉथ है? वाइट क्लॉथ है, WHITE, वाइट। ओके, देन ये है न्यू बुक, यहाँ पे है न्यू, NEW, न्यू। ये कैसी कार है? फास्ट कार है, FAST, फास्ट। देन नेक्स्ट इज टू फ्लावर्स, है ना, कितने फ्लावर्स हैं? टू फ्लावर्स हैं। सो चिल्ड्रेन, दिस इज द डी, यहाँ पे थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है ना। नेक्स्ट है, हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे अब, जो कलर नाउन के कलर को डिस्क्राइब करता है। ये सारी थिंग्स हैं, इनके कलर्स को यहाँ पे बॉक्स में हमें फिल करना है। बोर्ड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, तो BLACK, ब्लैक। ओके, यहाँ ब्लैक फिल कर देंगे, BLACK, ब्लैक, द ब्लैक बोर्ड इज ब्लैक। सेकेंड, लीव्स आर ग्रीन, तो ग्रीन कलर, GREEN। ओके, देन यहाँ पे फिल कर देंगे ग्रीन। नेक्स्ट, द पीस ऑफ चॉक इज वाइट, है ना, वाइट कलर का चॉक, WHITE, वाइट। देन वी विल फिल हियर इन द ब्लैंक वाइट। देन नेक्स्ट इज चॉकलेट इज ब्राउन, चॉकलेट कौन से रंग का होता है? ब्राउन, सो वी विल फिल हियर ब्राउन, BROWN, ब्राउन। ओके, द फायर इंजन इज रेड, जो फायर ब्रिगेड होती है, कहीं आग लग जाती है तो ये हेल्प करने के लिए ये गाड़ी बनाई गई है, फायर ब्रिगेड। सो फायर की जो ये गाड़ी की जो कलर है, ये रेड कलर है, सो दिस इज़ रेड, RED, रेड। ओके, यू टू फिल योर रेड। सो दिस इज डन चिल्ड्रेन, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37। हम करेंगे पेज नंबर 37, एक्सरसाइज F, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई हैव अ क्यूट टेडी बेयर, क्यूट पे आप अंडरलाइन करिए, यहाँ फिल कर दीजिए क्यूट। वी सॉ अ डैश बर्ड यस्टरडे, कौन से कलर का बर्ड है? ब्लू। ओके, सो ब्लू पे अंडरलाइन करिए, एंड यू विल फिल योर BLUE, ब्लू। थर्ड इज, देयर इज अ डैश पार्क नियर माई हाउस, ये क्लीन है ना, सो क्लीन पे अंडरलाइन करिए एंड क्लीन राइट कर दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट, द गर्ल इज सैड, ओके, सैड पे अंडरलाइन करना है, फिल कर देना है। आई हैड अ टेस्टी केक फॉर माई बर्थडे, केक कैसा है? टेस्टी है। ओके, TASTY, टेस्टी। आई सॉ अ बिग फिश इन द सी, हमने समंदर में एक बड़ी सी फिश देखी, तो बिग पे अंडरलाइन कर दीजिए एंड राइट योर BIG, बिग। देन देयर इज एन डैश कॉटेज इन द जंगल, ये कॉटेज जो है वो पुराना है, तो हम ओल्ड पे अंडरलाइन करेंगे और ओल्ड राइट करेंगे। मिस्टर स्मिथ इज अ डैश मैन, मिस्टर स्मिथ जो है वो रिच मैन है, यू कैन सी मनी इन हिज हैंड्स, है ना, खूब सारे पैसे हैं, तो रिच। ओके, RICH, रिच। ओके डियर चिल्ड्रेन, देन नेक्स्ट जी है अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यहाँ पर भी हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है पेंसिल से।
I have a dog called Brownie. I play with him every day. He is small and brown in color. इसकी साइज बताया गया है, उसका कलर बताया गया है. ब्राउनी जो है कौन से रंग का डॉग है? ब्राउन. और कैसा है? स्मॉल है. ही हैज़ शॉर्ट टेल. उसकी जो टेल है वो शॉर्ट है. अंडरलाइन कर दीजिए. ही हैज़ ब्राउन आइज. उसकी जो डॉग की आइज जो हैं वो ब्राउन कलर की हैं. इट इज़ अ नॉटी डॉग. वो कैसा डॉग है? नॉटी. नॉटी पे अंडरलाइन कर दीजिए. ही लाइक्स टू ईट क्रंची बिस्किट्स. कैसी बिस्किट्स? क्रंची बिस्किट्स है ना. ही स्लीप्स इन अ रेड कैनल. उसके जो हाउस का रंग है, डॉग के डॉग कहाँ रहता है? कैनल में. तो कैनल का रंग जो है वो यहाँ पर रेड बताया गया है. सो वी विल अंडरलाइन ऑन रेड. सो चिल्ड्रेन, यू विल फिनिश अवर एक्सरसाइज एंड यू विल फिल द बुक. आप बुक फिल करेंगे आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन एंड क्वेश्चन इन द कॉपी. आप इसको राइट कर लेंगे. आप शुरू करेंगे ए एक्सरसाइज से. ओके, ए देन बी एंड देन सी. ओके, डोंट राइट द नहीं, आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा. ओके चिल्ड्रेन, टुडे इज ट्यूसडे. आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे है. चिल्ड्रेन आपके पास 5 days हैं. ओके, सो आपके पास कितने एक्सरसाइज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अगर आप 2-2 एक्सरसाइज कर लेंगे, एक दिन में एक एक्सरसाइज कर लेंगे, और ये स्मॉल स्मॉल है वो 2-2 एक दिन में कर लेंगे, तभी आपकी कॉपी इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी. ओके, ये वर्क आप कंप्लीट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रेन, ट्राई एंड फिनिश योर वर्क. ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा फिनिश करने के लिए. और अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आपको प्रॉब्लम है, सो यू कैन मैसेज मी फर्स्ट. फर्स्ट आप मैसेज करेंगे, देन आपको मैं कॉल करूँगी. ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो. सो माय सब्जेक्ट कोड इज चिल्ड्रेन, MPS 79. प्लीज़ डू योर वर्क नीटली एंड सेंड इट ऑन संडे इन योर व्हाट्सएप क्लास ग्रुप. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स. आई एम इंग्लिश टीचर सुधा मैम. क्लास फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू टूडे ग्रामर. ओके, चैप्टर 7. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डन मैरीगोल्ड यूनिट 5 एंड बिफोर दैट आई हैड थॉट यू ग्रामर. चैप्टर 6 बिलोंगिंग्स. ओके, नेमिंग वर्ड्स फॉर बिलोंगिंग्स. चिल्ड्रेन आज हम चैप्टर 7 करेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. बिफोर वी स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द थॉट ऑफ द डे. सो विद द थॉट वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. द थॉट फॉर टुडे इज नेचर हैज़ मेड एवरी वन लाइक ए डायमंड दैट वेयर्स एज मच शाइन्स. प्रकृति ने सभी को हीरे जैसे ही बनाया है, जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है. तो सो चिल्ड्रेन, जितना ही परिश्रम, जितना ही मेहनत आप करेंगे, उतनी ही सफलता, उतनी ही कामयाबी आपको मिलेगी. सो चिल्ड्रेन, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमेशा स्टडी करिए, वर्क हार्ड कीजिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं और बड़े होकर कुछ बने. ओके, सो दिस इज़ द थॉट ऑफ द डे चिल्ड्रेन. लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन. आई विल एक्सप्लेन यू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टुडे. ओके, सो चिल्ड्रेन बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको नेमिंग वर्ड्स भी पढ़ाया है. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का रिलेशन नेमिंग वर्ड से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज नेमिंग वर्ड्स के बारे में जो भी जानकारी जो भी हमें मिलती है वह डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होती है. जैसे कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नेम्स नाउन्स के बारे में हमें कुछ बताते हैं, वर्णन करते हैं. जैसे कि किसी चीज़ का रंग बताते हैं, कलर बताते हैं, शेप या साइज बताते हैं, वो कितने संख्या में है, 1 है 2 है 3 है 100 हैं, कितने हैं. तो नेमिंग वर्ड्स के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें बताते हैं. जैसे कि ये रोज़ है, ये है रोज़. कौन सा फूल है? गुलाब का. और ये कौन से कलर का है? वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें बताते हैं. जैसे कि ये रेड है, तो रेड हमारा जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा. ओके चिल्ड्रेन, नाउ दिस गोवा, ये अमरूद जो है वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया. तो
नेमिंग वर्ड्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही देते हैं। सो चिल्ड्रेन, डेफिनेशन क्या होगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का, ये आप अपनी कॉपी में ये वर्क करेंगे। ओके, फर्स्ट आप टॉपिक देंगे, चैप्टर 7 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डेट लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा डेफिनेशन का, वर्ड्स डैट डिस्क्राइब पर्सन एनिमल बर्ड्स प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। शब्द जो व्यक्ति जानवर या पक्षियों या स्थान या किसी वस्तु के बारे में जो बताते हैं उन शब्दों को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। दीज वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताते हैं। जैसे कि रोज इज़ रेड, रोज़ जो है वो कौन से रंग का है, रेड, तो रेड है डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, द हाउस इज़ बिग, हाउस कैसे इसकी साइज़ बता रहा है, बिग है ना, तो बिग जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। थर्ड नंबर पे है टू फ्लावर्स हैं, कितने हैं, दो हैं, टू हैं, तो उसके नंबर बता रहा है तो वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में उसके कलर उसके नंबर शेप या साइज़ के बारे में जो भी जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड से ही मिलती है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द नेमिंग वर्ड, तो आंसर है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस दीज थिंग्स अबाउट नेमिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हैं वो हमें इन चीज़ों के बारे में नेमिंग वर्ड्स के बारे में हमें बताते हैं। तो फर्स्ट वाला है ए पे द नंबर, यानी संख्या बताते हैं कितनी है वो, कितने हैं वो, नाम कितनी है। ओके, एक है, दो है, तीन है, या 100 है, या 50 है, जो भी है। सो नंबर बताते हैं। बी, उसकी कलर बताते हैं, नाउन का कलर बताते हैं कि वो रेड कलर की ड्रेस है, पिंक कैप है, वाइट लैम्प है। ओके, एनिमल, प्लेस, पर्सन या थिंग्स, बर्ड्स के बारे में कुछ, कौन से कलर का है, कौन से शेप का है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, बिग है, स्मॉल है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ओके, सो दिस वर्क यू हैव टू राइट इन कॉपी, ये आपको कॉपी में राइट करना है। आफ्टर राइटिंग दिस, आप ये दो क्वेश्चंस राइट करने के बाद आप एक्सरसाइज के बुक की एक्सरसाइज सारी फिल करके बुक में कॉपी में राइट करेंगे। बुक में तो फिल करेंगे ही, फिर कॉपी में आपको करना है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज चिल्ड्रेन। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें ये एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं पहले। ओके, द मैन हैज़ हैवी बैग, मैन के पास ये जो बैग है वो हैवी है, तो हैवी है जो हैवी जो वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएंगे। और ये बटरफ्लाई कैसी है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर तितली है, तो ब्यूटीफुल जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है, बटरफ्लाई के बारे में हमें कुछ बता रही है ना कि वो कितनी सुंदर है, तो ब्यूटीफुल जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है। दिस इज़ अ बिग हाउस, ये हाउस कितना बड़ा है, छोटा है, स्मॉल है, बिग है, कैसा है, बिग है ना, साइज़ बता रहा है, तो बिग क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। टर्न द पेज चिल्ड्रेन, पेज नंबर 34। अब हम करेंगे एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर ए, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स। पहला आंसर है क्यूट, क्यूट डिस्क्राइबिंग वर्ड। सेकेंड है लार्ज शिप, सी लार्ज, अंडरलाइन कर दीजिए। ब्लू स्काई, क्लाउड, स्काई और क्लाउड तो नाउन है नहीं, सॉरी नाउन्स हैं, तो उसके बारे में कहा गया है ब्लू कलर का है, तो ब्लू जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। फोर्थ बुक, क्लास, शॉर्ट, तो बुक और क्लास तो नाउन है और शॉर्ट जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। लायन, टॉल, टेनिस, टॉल उसके साइज़ के बारे में बता रहा है ना, तो टॉल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। सिक्स नंबर पे फास्ट, सेवन पे हंग्री, एट पे होगा सॉफ्ट, नाइन पे होगा लॉन्ग, टेन पे ग्रीन। ओके, दिस इज एक्सरसाइज ए, इसमें हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पर अंडरलाइन करना था, ये हो चुका। नेक्स्ट अब हम करेंगे बी, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है, ठीक। तो लेट्स बिगिन, आई हैव ए गुड फ्रेंड, हर नेम इज तानिया, मेरे पास एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम है तानिया, तो तानिया कैसी है, अच्छी है, तो अच्छी यानी गुड पे हमें अंडरलाइन करना है।
सेकेंड, शी इज़ वेरी क्यूट, वो बहुत क्यूट है. क्यूट डिस्क्राइबिंग वर्ड अंडरलाइन कर दीजिए. शी इज़ क्वाइट टॉल, हाउ शी इज़, वो बहुत लंबी है, तो टॉल पे अंडरलाइन कर देंगे. शी हैज़ ब्राउन आइज एंड ब्लैक हेयर, आइज उसकी ब्राउन है और उसके हेयर ब्लैक हैं. ब्राउन और ब्लैक पे अंडरलाइन कर दीजिए. शी वेयर्स ब्यूटिफुल ड्रेस, ड्रेस कैसी है, बहुत सुंदर है. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल पे हम अंडरलाइन कर देंगे. तो जो भी विशेषता नाउन के बारे में बताती है उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. आप देख रहे हैं सारी जो चीज़ें हैं वो इस फ्रेंड के बारे में यानी तानिया के बारे में डिस्क्राइब की गई हैं. ये नाउन है यानी पर्सन है. पर्सन के बारे में जो भी वर्ड्स कहा गया है, उसका वर्णन जो भी कहा गया है, उसके वट एवर इज सेड फॉर द नेमिंग वर्ड, इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. शी हैज़ अ ग्रीन बैग, तो ग्रीन पे हम अंडरलाइन कर देंगे. शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छी स्टूडेंट है. गुड पे अंडरलाइन कर दीजिए. शी गेट्स गुड ग्रेड्स, उसे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो हम गुड पे अंडरलाइन कर देंगे. आई लव माई डियर फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बहुत प्रेम करती हूँ, तो डियर पे अंडरलाइन कर देंगे. तो ये थी आपकी बी, एक्सरसाइज बी. अब हम मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 35 पर. 35C, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, हमें ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड चूज करके यहाँ पे राइट करना है, वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा. दिस इज ए नॉटी मंकी, है ना, NAUGHTY, नॉटी पे हमें अंडरलाइन करना है. इट हैज़ ए डैश टेल, मंकी की कैसी टेल है, लॉन्ग टेल है, तो लॉन्ग पे अंडरलाइन कर दीजिए और राइट कर दीजिए. इट इज़ कौन से रंग का है, ब्राउन ना, ग्रे है कि ब्राउन, ब्राउन, सो इट इज़ ब्राउन, BROWN, ब्राउन. नेक्स्ट, इट इज़ अ कैसा पपी है, हैप्पी पपी, तो हैप्पी पे अंडरलाइन करना है और फिल कर देना है. इट हैज़ ए ब्लैक नोज, उसकी नोज़ कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक राइट कर दीजिए. देन इट इज़ यंग, यंग पे अंडरलाइन करके फिल कर दीजिए. दिस इज़ अ ग्रीन पैरेट, है ना, तो ग्रीन पैरेट. इट हैज़ रेड बीक, रेड. इट लुक्स फ्रेंडली, पैरेट्स तो टॉकिंग करते हैं ना, तो फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली राइट कर देंगे. नंबर 4, दिस इज़ अ डैश एंड डैश ज़ेब्रा, तो हम लिखेंगे ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा. ओके, ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा. नेक्स्ट है, इट हैज़ ए शॉर्ट टेल. ओके, शॉर्ट पे अंडरलाइन करना है, फिल कर देना है. इट हैज़ 4 लेग्स, ज़ेब्रा के कितने लेग्स, 4, FOUR, 4. नेक्स्ट, दिस इज़ अ बिग एलिफेंट, एलिफेंट बिग होता है ना, तो बिग. इट हैज़ शॉर्ट ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक, उसकी जो सूंड है, ट्रंक है, वो लॉन्ग है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग लिख देंगे. ओके, देन इट हैज़ स्मॉल आइज, एलिफेंट की स्मॉल आइज होती है, तो हम लिख देंगे स्मॉल आइज. ओके, सो ये था आपका एक्सरसाइज सी. गेटिंग इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आई होप चिल्ड्रेन यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 36. पेज नंबर 36, डिस्क्राइबिंग थिंग्स. ओके, अब हम थिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे. फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये कैसा बॉक्स है, ओपन बॉक्स है, तो हम यहाँ राइट करेंगे ओपन बॉक्स. ये कैसी ड्रेस है, ब्लू ड्रेस है, तो BLUE, ब्लू. देन ये कैसा क्लॉथ है, वाइट क्लॉथ है, WHITE, वाइट. ओके, देन ये है न्यू बुक, यहाँ पे है न्यू, NEW, न्यू. ये कैसी कार है, फास्ट कार है, FAST, फास्ट. देन नेक्स्ट इज टू फ्लावर्स, है ना, कितने फ्लावर्स हैं, टू फ्लावर्स हैं. सो चिल्ड्रेन, दिस इज़ द डी, यहाँ पे थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है ना. नेक्स्ट है, हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे. अब जो कलर नाउन के कलर को डिस्क्राइब करता है, ये सारी थिंग्स हैं, इनके कलर्स को यहाँ पे बॉक्स में हमें फिल करना है. बोर्ड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, तो BLACK, ब्लैक. ओके, यहाँ ब्लैक फिल कर देंगे, BLACK, ब्लैक, द ब्लैक बोर्ड इज़ ब्लैक. सेकेंड, लीव्स आर ग्रीन, तो ग्रीन कलर, GREEN. ओके, देन यहाँ पे फिल कर देंगे ग्रीन.
नेक्स्ट द पीस ऑफ चॉक इज वाइट, है ना, वाइट कलर का चॉक, W H I T E, वाइट. देन वी विल फिल हियर इन द ब्लैंक वाइट. देन नेक्स्ट इज चॉकलेट इज ब्राउन. चॉकलेट कौन से रंग का होता है? ब्राउन. सो वी विल फिल हियर ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन, ब्राउन. ओके, द फायर इंजन इज रेड. जो फायर ब्रिगेड होती है, कहीं आग लग जाती है तो ये हेल्प करने के लिए ये गाड़ी बनाई गई है, फायर ब्रिगेड. सो फायर की जो ये गाड़ी की जो कलर है ये रेड कलर है. सो दिस इज रेड, आर ई डी, रेड. ओके, यू टू फिल योर रेड. सो दिस इज डन चिल्ड्रेन. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37. हम करेंगे पेज नंबर 37, एक्सरसाइज एफ. Choose the correct describing words and complete the sentence. I have a cute teddy bear. Cute पे आप underline करिए या fill कर दीजिए, cute. We saw a dash bird yesterday. कौन से color का bird है? Blue. Okay. So blue पे underline करिए. And you'll fill your blue if blue. Third is there is a dash park near my house. ये clean है ना? So clean पे underline करिए and clean write कर दीजिए. ओके, देन नेक्स्ट द गर्ल इज सैड. ओके, सैड पे अंडरलाइन करना है, फिल कर देना है. आई हैड अ टेस्टी केक फॉर माय बर्थडे. केक कैसा है? टेस्टी है. ओके, टी ए एस टी वाई, टेस्टी. आई सॉ अ बिग फिश इन द सी. हमने समंदर में एक बड़ी सी फिश देखी, तो बिग पे अंडरलाइन कर दीजिए एंड राइट योर बी आई जी, बिग. देन देर इज़ एन डैश कॉटेज इन द जंगल. ये कॉटेज जो है वो पुराना है, तो हम ओल्ड पे अंडरलाइन करेंगे और ओल्ड राइट करेंगे. मिस्टर स्मिथ इज़ अ डैश मैन. मिस्टर स्मिथ जो है वो रिच मैन है. यू कैन सी मनी इन हिज हैंड्स, है ना, खूब सारे पैसे हैं, तो रिच. ओके, आर आई सी एच, रिच. ओके डियर चिल्ड्रेन, देन नेक्स्ट जी है अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यहाँ पर भी हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है पेंसिल से. आई हैव अ डॉग कॉल ब्राउनी. आई प्ले विथ हिम एवरी डे. ही इज़ स्मॉल एंड ब्राउन इन कलर. उसकी साइज बताया गया है, उसका कलर बताया गया है. ब्राउनी जो है कौन से रंग का डॉग है? ब्राउन. और कैसा है? स्मॉल है. ही हैज़ शॉर्ट टेल. उसकी जो टेल है वो शॉर्ट है, अंडरलाइन कर दीजिए. ही हैज़ ब्राउन आइज. उसकी जो डॉग की आइज जो है वो ब्राउन कलर की हैं. इट इज़ अ नॉटी डॉग. वो कैसा डॉग है? नॉटी. नॉटी पे अंडरलाइन कर दीजिए. ही लाइक्स टू ईट क्रंची बिस्किट्स. कैसी बिस्किट्स? क्रंची बिस्किट्स, है ना. ही स्लीप्स इन अ रेड कैनल. उसके जो हाउस का रंग है, डॉग कहाँ रहता है? कैनल में. तो कैनल का रंग जो है वो यहाँ पर रेड बताया गया है. सो वी विल अंडरलाइन ऑन रेड. सो चिल्ड्रेन, यर वी फिनिश अवर एक्सरसाइज एंड यू विल फिल द बुक. आप बुक फिल करेंगे आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन एंड क्वेश्चन इन द कॉपी. आप इसको राइट कर लेंगे. आप शुरू करेंगे ए एक्सरसाइज से. ओके, ए, देन बी एंड देन सी. ओके, डोंट राइट द, नहीं आपको ऑप्शन लिखना पड़ेगा. ओके चिल्ड्रेन, टुडे इज़ ट्यूजडे. आपके पास ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे है चिल्ड्रेन. आपके पास 5 डेज हैं. ओके, सो आपके पास कितने एक्सरसाइज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. अगर आप 2-2 एक्सरसाइज कर लेंगे, एक दिन में एक एक्सरसाइज कर लेंगे, और ये स्मॉल है वो दो एक दिन में कर लेंगे, तभी आपकी कॉपी इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी. ओके, ये वर्क आप कंप्लीट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रेन, ट्राई एंड फिनिश योर वर्क. ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा फिनिश करने के लिए. और अगर कुछ नहीं समझ में आता है, आपको प्रॉब्लम है, सो यू कैन मैसेज मी फर्स्ट. फर्स्ट आप मैसेज करेंगे, देन आपको मैं कॉल करूँगी. ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो. सो माई सब्जेक्ट कोड इज चिल्ड्रेन, MPS 79. प्लीज़ डू योर वर्क नीटली एंड सेंड इट ऑन Sunday in your WhatsApp class group. Thank you. Have a nice day.